नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरके हिमाचल न्यूज पर। मैं रमन राणा हाजिर हूँ यहाँ इस वक्त एक बड़ी डिबेट के साथ। हमारे साथ यहाँ पर देश भर से तमाम जो ट्राइबल यूनियन है उनके अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बातचीत के लिए सबसे पहले हमारे साथ साजन जी ही जुड़े हैं। साजन जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सज्जन सिंह तोमर भारतीय एकता वाहन एसोसिएशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश से। जी साजन जी, क्या कहना है आपका? जिस तरह से कि हिट एंड रन कानून को लेकर चर्चा के लिए आप यहां पर सभी एकत्रित हैं, सबसे पहले क्या कहना है आपका? सर, हिट एंड रन कानून जो है ना, ये हमारे लिए एक तरह का समझ लो फांसी का फंदा है। अब इस फांसी से पंदे से कैसे बचा जा सके, इसके उपाय हम ढूंढ रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो हमारी कोई सुनने को राजी नहीं है और इनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है। हमने आंदोलन भी किया लेकिन हमारे आंदोलन को खराब करने का काम जो है ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस वालों ने किया, ठीक है सर। उसके बाद में अभी हम और भी प्रयास में लगे हुए हैं, कैसे भी बात बन जाए। तो हमारा क्या है, ड्राइवर समाज बहुत डरा हुआ है और हम काफी भ्रमित है इस काले कानून से, तो हमें किसी भी तरह से इस कानून को वापस कराना होगा। साजन जी, तीन दिन का जो कॉल था आपकी तरफ से, 8, 9, 10 का जो आपकी तरफ से भारत बंद बुलाया गया था और आज जो है वो आखिरी दिन है और आखिरी दिन पे आप हमारे साथ चर्चा पे जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सर यही कहना चाहूंगा मैं तो सरकार को कि भाई जल्दी से आप हमारा निर्णय ले ले, नहीं तो देश भर में आगे एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हमारा सारथी समाज, ड्राइवर समाज लगा हुआ है और चालक इससे काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस ले और हमें हमारा जीने का हक दे, क्योंकि हम 24 घंटे से रोड पर चलते हैं, ना हमारा कोई टाइमिंग है और ना कोई हमारा भत्ता है और ना सैलरी है, ऐसी कई तमाम चीजें हैं। तो उसके बारे में भी सरकार से विचार कर रहे हैं। हमने लेटर के माध्यम से हर एक प्रदेश सरकार को और पीएमओ को और गृह मंत्रालय को लेटर दिए हुए हैं लेकिन आज तक हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला है। जी साधन जी, थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले हम व्यू लेंगे, उसके बाद जो है वो आपके आपके पास फिर से एक बार लौटेंगे, हम कीमती जी के पास आएंगे। कीमती जी नमस्कार। जी सर जी नमस्कार। सर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं कीमती लाल पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूं। जी जी बताइए कीमती जी। सर कीमती जी, आपकी जो आवाज है वो सरकार तक और आम जनता तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पंजाब की तरफ से कॉल की गई थी बंद के लिए, तो क्या कुछ जो है अभी तक बंद के दौरान पंजाब में क्या कुछ जो चीजें हैं वो सामने आई है और इसके बाद जो है वो आपका अगली क्या कड़ी रहेगी? तो हुआ था लेकिन उसमें क्या है, जब अपने ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट वालों ने कुछ फेक जो फैलाया था उसकी वजह से थोड़ा अपने ड्राइवर समाज में थोड़ी सी हलचल हुई थी, गाड़ियां वगैरह चलनी चालू हुई थी और उसके बाद फिर से ऐलान कर दिया गया। हमारी जितने भी पंजाब से संगठन थे, यूनियनें थी, उनकी तरफ से फिर से ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी ड्राइवर भाई अपनी अपनी गाड़ी जो है कोई भी नहीं चलाएगा, बिल्कुल हड़ताल जारी रहेगी जब तक कानून रद्द नहीं होगा। तो ये तीन दिन की कॉल थी कीमती जी आपकी तरफ से, क्या इसके बाद कल से 11 तारीख से क्या ये कंटिन्यू रहेगी? जी सर, हमारी तरफ से जो तीन दिन की कॉल थी उसके बाद फिर जब अपने निर्णय हुआ था, फिर मीटिंगें हुई थी अपनी संस्थाओं की सभी जितने भी थे, उसके बाद फिर 6 तारीख से लेके आज तक अभी भी जारी है। जी कीमती जी बहुत धन्यवाद, फिर से आप जुड़ने की कोशिश करेंगे हम आपसे। हमारे साथ राकेश जी जुड़े हैं। राकेश जी नमस्कार। राकेश जी माइक ऑन करिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी, लगता है राकेश जी की थोड़ी कुछ टेक्निकल इशू इनका चल रहा है यहाँ पर। हमारे साथ NHSS इंडिया से ये जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद जय सारथी। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, कमल बैरागी मध्य प्रदेश। जी बैरागी जी, जी ये देश की जो मौजूदा राजनीति ने
ड्राइवर समाज के ऊपर जो एक काला खेल और काला कानून जो लागू किया है, ये वास्तविक में एक बहुत ही गंदा कानून है जी। और अगर ये लागू होता है तो यकीन माने कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम जो वर्तमान में हैं या आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कतई रोड पर ड्राइविंग करना नहीं चाहेंगी। और मैं और मेरी यूनियन और मेरे सम्माननीय या मेरे समकक्ष वाहन चालक इसकी घोर निंदा करते हैं। बैरागी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कि पहले का कानून था आपका, उसके बाद इसमें हिट एंड रन का जो अभी ये लागू हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा आम जनता तक और आज जो ड्राइवर समाज है उन तक प्रॉपरली क्लियर मैसेज हो पहुंचे। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले का जो कानून था वो ठीक था। एक भारतीय लाइसेंस धारी अगर उससे एक्सीडेंट भी हो जाता था तो 2 से 3 दिन में छूट जाता था, लेकिन इतना भारी भरकम चालान या जुर्माना उसके ऊपर नहीं थोपा गया था। और वो 3 दिन के बाद अपने परिवार से मिल सकता था, जो कि आज उसको बढ़ाकर 10 साल कर दी गई जी। तो इससे मैं रोष व्यक्त करता हूं और मैं इस कानून के खिलाफ हूं। कहां तक आपका जो अभी 3 दिन का जो ये आपका कॉल था बंद का, ये कितना सफल रहा है और आगे इसके क्या आप इसमें प्लानिंग रही आपकी? देखिए, बिल्कुल हम सफल की ओर अग्रसर थे और अभी भी सफल की ओर आधे रास्ते में हैं, लेकिन कुछ गंदे और दलाल राष्ट्रीय कांग्रेस ट्रांसपोर्ट वालों की वजह से हम लोग जो कि एक कदम पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अभी अपनी हार नहीं मानी है। हमारा संघर्ष जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। क्या कुछ आपकी तरफ से बैरागी जी, क्या अगला आपका जो प्लान है, इसका क्या प्लान रहेगा? देखिए, प्लान तो बहुत कुछ है। अगर शायद अगर मैं आपके समक्ष पेश करूंगा तो मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी लागू कर दिया जाएगा जी। प्लान तो ऐसा है कि ऐसे काले कानून बनाने वालों को बम और तोपों के सामने बांध के उड़ा दिया जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं दिल जला इंसान हूँ जी। और ऐसे कानून लागू करने वाले अनपढ़ और जाहिल और गंवारे, जब इस देश की जनता स्वयं मालिक होते हुए नौकर का फर्ज निभा रही है और भीख मांग रही है, क्यों नहीं समझना चाहती इस देश की जनता? बैरागी जी, आज की डेट में अगर देखें तो हर तीसरा आदमी जो है वो ड्राइवर है, लेकिन कुछ एक संस्थाएं और बाकी यूनियनों को छोड़ के बाकी सारी की सारी गाड़ियां जो है वो सड़कों पर दौड़ रही है, क्या उनके लिए ये कानून लागू नहीं होगा? सभी के लिए कानून लागू होता है, लेकिन शायद उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है जी। हम ड्राइवर भूखे नंगे हैं, हमारी चड्डी बची थी वो भी केंद्र सरकार ने छीन ली है जी। मैं गंदा बोल रहा हूँ, मैं कड़वा बोल रहा हूँ, शायद आप लोगों को मेरी बात बुरा लगेगी। झलक रही है, कड़वाहट तो झलक रही है, लेकिन ये वर्तमान की जो देश की राजनीति है बिल्कुल गंदी राजनीति है। एक तरफ आप राम राज्य लाना चाह रहे हैं और एक तरफ ड्राइवरों का शोषण और बहिष्कार कर रहे हैं। कहां का न्याय, कहां का राम राज्य? हम अपने देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ आपकी तरफ से कॉल रहेगी जिस तरह से कि बाकी की गाड़ियां जो है वो कुछ एक ड्राइवर यूनियनों की बात करें, कुछ एक ड्राइवर यूनियन जो है वो चल रही है। अभी हिमाचल की बात करें तो नालागढ़ की यूनियन है वो लगभग अभी बंद पड़ी हुई है, पंजाब का भी कुछ एरिया जो है वो लगभग बंद पड़ा हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रक हैं, बहुत सारे ऐसे बाकी की लॉरीज हैं जो कि सड़कों पर दौड़ रही है, बेधड़क चल रही है। देखिए आदरणीय जो हमारे समर्थन में है उनका भी मैं मस्तक होकर स्वागत करूंगा और जो नहीं है उनका भी स्वागत करूंगा जी। और जो चल रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और जो नहीं चल रहे हैं उनका दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन जो चल रहे हैं आने वाले समय में वो रोड पे चलने लायक नहीं रहेंगे। अगर आज इस वर्तमान समय में इस धरना और आंदोलन का उन लोगों ने दिल से साथ नहीं दिया तो मैं आपके माध्यम से यही बात हिंदुस्तान के 145 करोड़ जनता और उसमें विराजित ड्राइवरों को कहना चाहूंगा कि यह समय आपातकाल समय है
और इसका सब मिलकर साथ और संयुक्त देश का विरोध करें, तभी आप और हम लोग मिलकर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित अपना परिवहन संचालन कर सकते हैं। बैरागी जी, मैं आपसे फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन चलते चलते एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा। आने वाले कुछ एक ही दिनों में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो सिर पर है, तो क्या कुछ इसका असर जो है वो सरकार पर पड़ सकता है? भाई साहब, मेरे पास 8 नंबर जूता है, मेरे पास अगर कोई वोट मांगने बीजेपी का आया तो सीधा जूता मारूंगा। कड़वा बोल रहे आप। पहला सवाल यही रहेगा कि क्या तेने उस समय ड्राइवर का साथ दिया था? किस हक से तू वोट मांगने आया, बता मुझे जी। ये मेरा प्रश्न रहेगा जी। बस इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा जी। धन्यवाद राकेश जी। अगर आप कोशिश करें हमारे साथ जुड़ने की, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी। राकेश जी नमस्कार। हाँ जी जी सर जी, नमस्कार सर जी। राकेश जी जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार, ऑपरेटर नालागढ़ से और साथ एकता वाहन एसोसिएशन से जी सर। राकेश जी, सबसे बड़ी ट्रक यूनियन जो है वो नालागढ़ को माना जाता है, जिसमें लगभग 12,000 से ज्यादा ट्रक जो है वो उसमें शामिल है, तो क्या जी सर, जी। क्या स्थितियां हैं नालागढ़ की इसमें? हाँ जी सर, हमारी यूनियन भी साथ है इस आंदोलन में और जोर से विरोध कर रहे हैं। बाकी जो हमारी कुछ हिमाचल की भी हैं, वो भी कल से आह्वान कर चुकी हैं इस आंदोलन का, जैसे कि हमारे पालमपुर से एक ट्रक राइडर ने पालमपुर, वो भी आंदोलन का इसका हिस्सा बन रहे हैं। और बाकी देश की जितनी तमाम यूनियन है सर, वो सभी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और सभी हम ड्राइवरों से छोटी बड़ी गाड़ियों से आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन को और बड़ा करें और जो सरकार ने काले कानून लगाए हैं इनको बिल्कुल रद्द किया जाए। राकेश जी, क्या कुछ फर्क जो है वो आम जनता पर जो इस आंदोलन का पड़ने वाला है? पड़ने वाला सर, फर्क तो दिख रहा है और दिखेगा आगे आगे और ज्यादा दिख सकता है फर्क, क्योंकि कानून जो है वो मतलब सही नहीं है। एक तरफ से पूरे ड्राइवर समाज के लिए मार है, एक तरफा का कानून लगा दिया सरकार ने जी सर जी। ठीक है राकेश जी, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक विचार हम बंटू जी से मिलेंगे। बंटू मल्होत्रा हमारे साथ है। बंटू जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार, बंटू मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, सारथी वाहन एकता एसोसिएशन से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी। बंटू जी जी सर, क्या कहना है बंटू जी की जिस तरह से कि पिछले काफी दिनों से जो सभी ट्रक यूनिट, मैं सिर्फ ट्रक यूनिट की बात करूंगा क्योंकि बाकी के जितने भी हमारे ड्राइवर समाज है वो लगभग सड़कों पर है, तो देखिए ट्रक जितने भी तमाम यूनियन संस्थाएं हैं सभी अपना साथ दे रहे हैं और बाकी पंजाब में हिमाचल में भी नालागढ़ यूनियन में भी रोष देखने को मिला है इस काले कानून के विरुद्ध, जो रोष देखने को मिल रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं पब्लिक से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस कानून का समर्थन कीजिए और इसका विरोध, मैं ड्राइवर भाइयों के साथ इस कानून का विरोध करें, ताकि तो आपको पता ही है कि जैसे हर एक घर में एक ड्राइवर होता है और ये कानून हर एक इंसान के लिए है जो अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी भी चलाता है। बंटूली, क्या कुछ अभी तक कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके ऊपर कि ये जो हिट एंड रन का कानून जो है वो उन पर लगाया गया हो? जी, देखने को मिला है 3-4 लोगों पे ये कानून लागू हो चुका है और एक पंचकूला में भी मैंने एक खबर देखी थी न्यूज के माध्यम से, तो उसमें भी एक कार वाले ने साइकिल वाले के साथ दुर्घटना और साइकिल वाला उसका वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कार वाले पे भी हिट एंड रन का कानून लागू किया गया है जी। बंटू जी लौटेंगे आपके पास, तब तक हम साजन जी के पास लौटेंगे। साजन जी जी, साजन जी अगर बात करें हम आपके तमाम यूनियंस की, तो जंतर मंतर के पर जो है वो आपकी तरफ से एक विशाल धरना जो है वो दिया गया था और उसमें से बहुत सारे ऐसे आपकी तरफ से जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपने अपने लेटर हेड के माध्यम से जो है वो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी सौंपा है, सरकार को भी सौंपा है और उच्चतम न्यायालय को भी जो ज्ञापन आपकी तरफ से दिया गया है, तो क्या अभी तक किसी ऐसी किसी का कोई ऐसा मैसेज आया है कोई आपकी तरफ से?
सर ऐसा कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है और ये सरकार जो है ना बिल्कुल निकम्मी सरकार है और इसे 2024 के चुनाव में हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सर हमारी जो तादाद है ना हिंदुस्तान में कम नहीं है ड्राइवरों की, 24 करोड़ मान लो हमारा 24 करोड़ लाइसेंस धारी है, कमर्शियल व्हीकल जो है 24 करोड़ के समथिंग हमारी जो है संख्या है, उसके परिवार अगर लगाएंगे ना तो 80 करोड़ के आसपास पहुंचता है, चाहे जो सी सरकार बदल लेंगे हम ड्राइवर अगर चाहेगा तो, और जो यूनियन है हमारा साथ दे रही है और इस मुहिम में आगे बढ़ रही है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जहां तक मेरा ये है, मोदी जी को हम बहुत दिल से चाहते थे और उनके लिए हमेशा से वोट हमने बीजेपी को किया है, लेकिन आज हमारा दिल इतना दुख रहा है ना कि हमारी आत्मा जान रही है और हमारा ड्राइवर समाज इस भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा और हम एक वोट भी नहीं देंगे चाहे नोटा दबाना पड़े। क्या इसे हम एक राजनीति भी कह सकते हैं? है सर, इसको हम राजनीति भी कह सकते हैं? जी सर राजनीति की समझो ना, क्योंकि ये कानून जो बनाया है इनने, ये क्या सोचकर बनाया है, गरीब तबके को दबाने का काम कर रही है सरकार। ड्राइवर जो है सर 10 से 12 हजार, कोई 5 हजार 7 हजार की नौकरी करने वाला बंदा 7 लाख रुपए कैसे भरेगा, उनको थोड़ा दिमाग नहीं है कि भाई ये कानून बनाने से पहले ना तो हमारे किसी ड्राइवर यूनियन से इन्होंने बात करी और ना कोई मीटिंग बुलाई, ना हमारे किसी ड्राइवर से पूछा, अपने आप संसद में सांसदों को निलंबित करके कानून बनाकर राष्ट्रपति जी के साइन करके और कानून को लागू करने का प्रयास किया गया है। क्या प्लान रहेगा आपका अगला साधन जी की, जिस तरह से कि अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो क्या आप स्टेरिंग तोड़कर अपने घर पर बैठेंगे या फिर सड़कों पर जो है ड्राइवर समाज दिखेगा? सर हम तो घर पर ही बैठने का प्लान है, स्टेरिंग छोड़ करके अभी हम बेंगलोर में हैं, फंसे हुए हैं, यहाँ से लोड नहीं कर रहा है हमारा, जब तक स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन चल रहा है ना, गाड़ी हम लोड नहीं कर रहे हैं और देखते हैं रूपरेखा नहीं तो जैसे तैसे घर तक पहुंचेंगे, उसके बाद में स्टेरिंग छोड़ के घर बैठेंगे। और सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक जल्दी से काला कानून आपका वापस ले लीजिए, नहीं तो 70 से 80% ड्राइवर स्टेरिंग छोड़ के हमारे घर जाने वाले हैं, हम लाइसेंस तोड़कर फेंक देंगे, हमें नहीं चलानी गाड़ी, चाहे जूते चप्पल की दुकान खोल लेंगे सर जी, काहे को गाड़ी चलाएंगे, 7 लाख हम कहाँ से लाएंगे और 10 साल की सजा हमारा तो खत्म ही हो गया जीवन समझ लो, 30 साल से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ और आज ये स्थिति आ गई है कि हमें मरने का ना जीने का किधर का, इस सरकार ने नहीं छोड़ा है। सर इन लोगों को हम रिक्वेस्ट कर करके थक गए, पिछले 7-8 साल से हमारी यूनियन काम कर रही है, हम लेटर के माध्यम से, चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह हमने लेटर के माध्यम से मांग करी कि जितने भी आरटीओ चेक पोस्ट थे इनको बंद करवा दी जाए, लेकिन सर आरटीओ चेक पोस्ट के नाम पे हम दिल्ली से चलते हैं बेंगलोर तक, करीबन 6 चक्का गाड़ी का 4 से 5 हजार रुपए आरटीओ में चला जाता है, इतनी रिश्वतखोरी सरेआम ले रहे हैं रोड पे, सरेआम खड़े होकर रिश्वत ले रहे हैं, 500 रुपए से लेके जितने गाड़ी के चक्के होते हैं उस हिसाब से लिए जाते हैं, सरकार ने उनके ऊपर तो कोई कानून नहीं बनाया, जितने ट्रैफिक वाले लूट रहे हैं देश में जगह जगह पर उनके ऊपर कानून नहीं बनाया, उनको हमें दिखे गरीब आदमी दिखा, ड्राइवर समाज जो 10-8 हजार की नौकरी करता है वही दिखा, उनको लूटने का काम कर रहा है। और सर 7 लाख रुपए हमारी तो हिम्मत नहीं है, तो हम तो यही कहेंगे स्टेरिंग छोड़ के हमारे घर बैठेंगे और आगे जो हमारी संस्था बताएगी तो हम रोड भी जाम करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपके पास तब तक कीमती जी से बात करेंगे। कीमती जी जी सर, हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल का पंजाब जी, और हिमाचल की लगभग जो जितनी भी आर्थिक स्थिति है या यूं कह लें कि जितना भी व्यापारिक संबंध है वो पंजाब के साथ मिलता जुलता है जी, आने वाले दिनों में जिस तरह से कि आपकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि जो है स्टेरिंग छोड़कर घर बैठेंगे या चक्का जाम करेंगे, तो क्या कुछ स्थितियां इस वक्त पंजाब में है और क्या आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं? इसमें सर स्थिति बिल्कुल सही है, अपने सभी ड्राइवर भाई अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं गाड़ियां छोड़ करके। इसमें पंजाब के साथ देखो दो स्टेट जो हैं उनको भी जो राशन पानी जो जरूरतमंद सामग्री है वो जाती है, जम्मू 3 राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर,
तीन राज्यों में ये जनता को भी इसका जो है प्रभाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब से ही राशन पानी हर एक चीज पंजाब से ही जाती है जम्मू कश्मीर में, पानी जाता है, चावल जैसे गेहूं है और भी सामान है, तो टोटल ही ये तीन राज्यों को जो है नुकसान होगा। तो हर चीज इसमें महंगाई आएगी, ड्राइवर समाज इतना रहता नहीं, कम से कम 8% ड्राइवर जो है गाड़ियां छोड़ करके अपने ड्राइवर आवाज शायद आपकी कट रही है सर। कीमती जी आपके पास कोशिश करेंगे हम फिर से जुड़ने की, शायद नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, तब तक राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी राकेश जी। जी सर। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस सर यही कहना चाह रहे हैं हम कि जितने भी हमारे ड्राइवर समाज के भाई हैं वो घर बैठे हैं गाड़ी अपने मालिक को सौंप रहे और अपना घर में बीवी बच्चों के साथ रहे। रोड पे गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया सर, जो सरकार ने कानून बना रखा है वो इसमें बिल्कुल मौत है सर। आगे पीछे खाई आगे कुआं है, तो गाड़ी चलाना उचित नहीं समझते हैं। हम तो गाड़ी छोड़ देंगे सर, हम वैसे 5 दिन से खड़े हैं, गाड़ी अभी लोड नहीं कर रहे हैं। और राकेश जी अगर जिस तरह से ड्राइवर का रोल है समाज में, ड्राइवर का अहम रोल है समाज में, लेकिन जो आपके घर का जो राशन पानी है वो भी तो उसी वहीं से आएगा। दिन की इतनी हमारी हड़ताल का हमारा आगे जैसे हमारी संस्था बोलेगी वैसे हम कार्य करेंगे, लेकिन हमारा जो मतलब निर्णय है कि 5-7 दिन तो हम स्ट्राइक करेंगे या स्टेयरिंग छोड़ेंगे और जैसे हमारी संस्था बोलेगी वैसे हम आगे बढ़ेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। जैसे हमारी संस्था सर पालमपुर में या वहां से भी हमें फोन आया था, कल से वहां भी चक्का जाम होने वाला है हिमाचल में। जी धन्यवाद राकेश जी। बैरागी जी के पास लौटेंगे। बैरागी जी नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। जी जरूर बिल्कुल। आदेश करें श्रीमान जी। बैरागी जी देखिए, मैं तो इतना दुखी हूँ इस कानून से कि मेरे पास शब्द बहुत है लेकिन कहूंगा तो मजा नहीं आएगा। इस काले कानून का विरोध सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए और खासकर उन 28 राज्यों और 10 केंद्र शासित प्रदेश में जो ड्राइवरों के हितैषी बने फिर रहे हैं, उन यूनियन लीडर को भी अपने अपने महकमे में जाकर या अपने अपने समुदाय से अपील करना चाहिए कि भाई इस समय विषम परिस्थिति के अंदर सब एकजुट हो जाएं। भाई हम सारा दोष केंद्र सरकार को दे रहे हैं, उसके ऊपर थोक रहे का आपने कानून लागू कर दिया, तो भाई हम इतनी संख्या में तादाद में हम लोग हैं, हम उसको पलटवार क्यों नहीं कर देते हैं? करना चाहिए। बैरागी जी अगर ट्रक यूनिट्स को अलग कर दें थोड़ा सा, तो उसमें से आप देखेंगे बसें चल रही हैं, अगर जो बाकी की जो गाड़ियां हैं प्राइवेट व्हीकल सड़कों पर हैं, क्या आपकी तरफ से एक मैसेज उनके लिए रहेगा? देखिए ट्रक बस और कार ये सब स्त्रीलिंग और पुरलिंग के अंदर है क्या? अभी पुरलिंग जो है वो लोग खड़े हैं, स्त्रीलिंग चल रही है, स्त्रीलिंग अपना धंधा कर रही है, समझ रहे आप जी? पुरलिंग मतलब मर्द आदमी खड़ा है और औरतें धंधा कर रही है, तो मैं तुलना स्त्रीलिंग और पुरलिंग की करना चाहूंगा यहाँ पर कि सभी समुदाय कार स्त्रीलिंग है और ट्रक पुरलिंग है, तो इन सभी को मिलके इस काले कानून का विरोध करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो अभी सड़कों पर हैं? क्या चीज? क्या कहना चाहेंगे जो अभी सड़कों पर चल रहे हैं? ये ड्राइवरों के दुश्मन है जो रोड पर चल रहे हैं, गद्दार रहे हैं लोग। बड़ी सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बैरागी जी, जिस तरह से कि ड्राइवर जो सड़कों पर चल रहे हैं उनको रोका जा रहा है। जी भाई उनको रोका जा रहा है तो वो अपना गाड़ी को रोक के और सुरक्षित खड़े हो जाएं। भाई ये जो आज देश की यूनियन और संगठन उनका जो हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है, क्या आप 24 घंटे 2 दिन रुक जाए रोड के ऊपर या घर पे रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों नहीं रुकते हैं? रुकना चाहिए।
अगर मानवता की उसके मिसाल की तरफ से हम देखें तो जो कुछ एक ऐसे भी सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो वायरल हो रही है जिनका स्वागत जूतों के हाथ से किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सारथी समाज का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जूतों की माला पहनाई जाए, लेकिन हमारे सारथी राजमार्ग के जो सारथी ड्राइवर हैं वो मानना भी नहीं चाह रहे हैं, तो मजबूरन कुछ यूनियन द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि उनका स्वागत जो है कि शूज द्वारा या चप्पल जूतों से किया जा रहा है, तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि भाई सभी 24 घंटों के लिए अपने वाहन रोक दें, उसके बाद जो भी होगा हम लोग मिलकर निपटेंगे उसको। अगर बैरागी जी दूसरी तरफ से देखें तो ये जो लोग जिनको जिनको जूतों के हार के साथ स्वागत किया जा रहा है, उनके गले में जो मालाएं पहना कर सोशल मीडिया पर भी उनको वायरल किया जा रहा है, तो उस बात में कोई वजन नहीं है ज्यादा, और बिल्कुल घर जाना भी चाहिए, उनके आत्मसम्मान या मन के अंदर इस बात को रखना नहीं चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और वो भी कोई ऐसा ना सोचे कि हमें जूतों की माला पहनाई या अपने मन को ऐसा करे या कोई गलत कदम उठा ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। एक रीति रिवाज है जो ड्राइवर समाज के लिए कर रहा है। तो क्या अब एक बड़ा मोर्चा जो है वो खोला जाएगा ड्राइवर समाज की तरफ से? बिल्कुल, हमारा मोर्चा जारी है और आगे बहुत ही युद्ध स्तर पर हम लोग जो है कि मोर्चा जारी रखेंगे इसको। पिछले जो 3 दिन का आपकी तरफ से बंद का कॉल ड्राइवर समाज की तरफ से किया गया था, उसमें देखा गया था कि बहुत सारी किल्लत जो है समाज में आई थी, जिस तरह से कि पेट्रोल की कमी हो गई थी, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिस तरह से बच्चों का दूध बंद हो गया था, क्या एक बार फिर से समाज इस स्थिति से गुजरने वाला है? सब झूठी बात है, कोरोना काल में 15 दिन तक कोई कमी नहीं आई थी, ठीक है साहब, सब झूठी बात है। देश के अंदर पर्याप्त हर घर के अंदर साधन रहता है, हर दुकानदार के पास 2 महीने तक राशन रहता है, हर पेट्रोल पंप पे डीजल होता है, ठीक है, कोई कमी नहीं आई देश के अंदर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गाड़ियां रोक दें तब जाके कमी आएगी जी, कुछ गाड़ियां रोकने से कमी नहीं आती है, सारी गाड़ियां रुकने से कमी आएगी। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी पर गाड़ियां लेके जा रहे हैं, तो वो भी लाइसेंसधारी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? भाई उनको भी इस समय फर्ज निभाना चाहिए और सारथी के सम्मान में उनको भी एकजुट एक पंक्ति में प्रथम पंक्ति के अंदर आकर खड़े होना चाहिए, मेरा तो यही कहना है जी। धन्यवाद धन्यवाद बैरागी जी। कीमती जी आपका बीच में नेटवर्क जो है वो शायद कट गया था। जी सर, हाँ जी सर, आपका नेटवर्क शायद बीच में कट गया था, कुछ कहते कहते रुक गए थे। कीमती जी जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि समाज ड्राइवर समाज जितना भी है वो सारा लगभग इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि वो उनकी मनोदशा जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, एक सरकार के लिए आपकी तरफ से एक जो अपील है वो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सर आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो पहले वाला कानून था वही कानून रहने देना चाहिए, ये जो ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लागू किया है इसको रद्द करना चाहिए, तो इसकी इससे जो आर्थिक स्थिति जो देश की है वो चलती रहेगी, जो सारथी समाज है वो रेगुलर वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इन्होंने कानून रद्द नहीं किया तो सर जो जरूरतमंद सामान लेके आने जाने वाला जो सारथी समाज है ड्राइवर समाज है इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, कम से कम 70% इसकी कमी हो जाएगी। कोई भी ड्राइवर क्या खानदानी में ड्राइवर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई अपने बच्चों को किसी को भी, हम लोग खुद ये गाड़ियां जो है हम छोड़ देंगे, हम लोग गाड़ियां नहीं चलाएंगे। कीर्ति जी सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है? सर झुक सकती है, अगर ड्राइवर समाज का हमें साथ मिले तो सरकार का बाप भी झुक सकता है।
लेकिन हमारा ड्राइवर समाज हमारा साथ दे तो अगर हम जंग हारते हैं तो हम अपने ड्राइवर समाज से ही हारेंगे क्योंकि हमें कोई दूसरा नहीं हरा सकता। आज तक सीआरपी आर्मी जहां तक हमारी फौज बैठी है बॉर्डरों पर चेक अलग अलग अपने बॉर्डरों के ऊपर बैठे पूरे भारत में वहां तक भी राशन पानी उनका वर्दी बूट हथियार हर एक चीज हम लोग ही पहुंचाते हैं सामान है वो भी हम ही सप्लाई करते हैं जहाज का जो सामान है जो समुद्री का सामान है कोई भी लेना है वो हमारी ही वजह से चल रहा है तो इससे सरकार को बहुत नुकसान चल रहा है। शायद कीमती जी की जो आवाज है वो प्रॉपर हम तक पहुंच नहीं पा रही है कुछ इश्यू उसमें आ रहा है चलते चलते साजन जी के पास एक बार से लौटेंगे। साजन जी रेंज नहीं है जहां जी साजन जी क्या आखिरी जो मैसेज आप एक ड्राइवर समाज के लिए और एक सरकार के लिए सबसे पहले ड्राइवर समाज के लिए आपका जो मैसेज है वो दीजिए उसके बाद हम जो एक सरकार के लिए मैसेज है वो आपकी तरफ से। सर ड्राइवर समाज से तो मैं हाथ जोड़ के और उनके चरणों में नमन करके यही अपील करूंगा कि मेरे भाइयों अभी भी मौका है स्टीयरिंग छोड़ के अपने घर बैठ जाओ और अपनी अपनी गाड़ियां अपने अपने मालिक को सौंप दो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको 8 दिन में भूखे नहीं मर जाओगे 8-15 दिन में तो इस सरकार की ऑटोमेटिक आंखें खुल जाएगी सर। लेकिन हमारा ड्राइवर समाज समझने को तैयार नहीं है जो भाई कट रहे हैं उनके दर्द हो रहा है जो नहीं कट रहे हैं वो चल रहे हैं अपने आराम से उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है देश में। कानून तो सभी पे यही लागू होता है चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी हो। बिल्कुल सर और सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा कि आपको हमें मिले थे जो एक गरीब तबका का ड्राइवर होता है 10-12 हजार रुपए कमाने वाले इंसान को आप दबा रहे हो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा मतलब हमारा जो परिवार है ना सर भूल ही जाएगा हमें तो क्या हमारे कोई पिताजी भी थे हमारे बच्चे भूल जाएंगे हमें 10 साल अगर सजा काट के आएंगे तो उनकी शादियां हो जाएगी पता नहीं और जब तक तो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा अगर 10 साल की ड्राइवर सर हम रोड पर देखते हैं कि 90% जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण होते हैं और नशा बाइक वाले कार वाले पीछे से घुस जाते हैं आगे से घुस जाते हैं राइट साइड से घुस जाते हैं। कई वीडियो मैंने फेसबुक पे मेरी फेसबुक पे अपलोड किए हुए हैं जो कि 1% भी ड्राइवर की गलती नहीं है और वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है उसमें भी 10 साल की सजा। ये सरकार को क्या दिमाग भगवान कहाँ से आया और इन्होंने क्या सोच करके कानून बनाया मेरे तो ये समझ में नहीं आया सर। तो इन्हें ये कानून वापस लेना होगा और हम देश की रीढ़ की हड्डी है सर देश हमसे चलता है। विदेशों की बात करें तो वहां पर तो ये कानून लागू है सर विदेशों में तो ये कानून लागू है सर विदेशों में कानून लागू है तो उस हिसाब के विदेशों में रोड है स्ट्रीट लाइट है विदेशों के अंदर सारा स्ट्रीट काम है सैलरी तो है और वहाँ पे सर 4-5 लाख रुपए ड्राइवर की सैलरी है हमारे यहाँ क्या सैलरी है 10-12 हजार। आप विदेश के कानून ला रहे हो तो विदेश की तरह रोड बनवाओ सबसे पहले तो लाइटें लगवाओ कैमरे लगवाओ हर 500 मीटर पे हमें कोई दिक्कत नहीं है आप जो भी पहले वैसी व्यवस्था तो जमाओ ना। आप दिमाग विदेश से ले आते हो और यहाँ लाके हमें थोप दिया साहब और हमारी सैलरी है 12 हजार वहाँ विदेश में ड्राइवर कमा रहा है 4 लाख रुपए तो ये कहाँ का कानून हुआ ये बताओ मुझे। इस सरकार को पता नहीं कहाँ से दिमाग आया और ये कानून हमारे ऊपर थोपने का काम किया है 2024 में आने वाले चुनाव में हम ये इन सरकार को दिखा देंगे हमारी ताकत का अंदाजा कि ड्राइवर क्या होता है। एक मोदी जी भी गाड़ी पे बैठ के जाते हैं तो उनको भी सर ड्राइवर ही लेके जाता है ये हमारे ड्राइवर समाज को समझना होगा। चाहे गृह मंत्री जी हमारे जिन्होंने कानून पेश किया है लोकसभा में वो भी उसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं और वो भी हमारा ड्राइवर चलाता है जी, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है क्या उसे 10 साल की सजा कराएंगे जी।
उसे तो फिर भी 50-60 हजार तक सैलरी मिलती है, क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, गवर्नमेंट ड्राइवर है, और हम सर प्राइवेट जो काम करते हैं इन्हें 10-12 हजार रुपए में गुजारा करना पड़ रहा है। सरकार को हमारे बारे में ये सोचना चाहिए था कि इनकी सैलरी तो कम से कम 40-50 हजार रुपए सैलरी होनी चाहिए, 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी। हमारी सैलरी के बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा, ड्राइवर के इंश्योरेंस के बारे में कभी नहीं सोचा, ड्राइवर के ऊपर ये इंश्योरेंस लागू कर दे। हमें जब देखो, जब चुनाव से पहले कोई ना कोई लॉलीपॉप दिया जाता है, जैसे अभी पिछली बार हमारे जो नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक हाईवे हीरोज की स्कीम निकाली थी, वो हाईवे हीरोज की स्कीम ना तो सर आज तक किसी ड्राइवर तक पहुंची है, और हमें तो पता ही नहीं वो स्कीम किधर घुस गई है, बस लॉलीपॉप दिया था और लॉलीपॉप हमारे हाथ में आ गया। ड्राइवर आयोग की भी मांग आपकी तरफ से की गई है सर? सबसे पहले तो ड्राइवर आयोग की, जब सभा आयोग है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, तो हमारा ड्राइवर आयोग क्यों नहीं होना चाहिए? हम सरकार से पिछले 8 साल से मांग कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, हर एक यूनियन अलग अलग माध्यम से लेटर दे करके, लेकिन सरकार का कोई रिप्लाई नहीं आता। हमारे जो लेटर है वो कचरे के डब्बे में डाल दिए जाते हैं, हमारे को कोई समझ नहीं चाहता, हमारी ताकत को कोई पहचान ही नहीं रहा है कि हम भी इस देश के वासी हैं और हम देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। सर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पूरा हिल जाएगा अगर हमारा ड्राइवर समाज एक हो गया तो। जी धन्यवाद, धन्यवाद साजन जी। बंटू जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओके सर। जी सर, जी सर। सर देखिए ना, आप हमारे भारत के अंदर 3 प्रकार से यातायात जो है अवेलेबल है, एक जहाज, एक समुद्री मार्ग और एक यातायात। जहाज वाला पायलट हो गया, समुद्र वाला कैप्टन हो गया, और ड्राइवर बेचारा का बेचारा रह गया। ड्राइवर के लिए भी कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए ना, हम ये नहीं बोलते कि हमें कैप्टन बनाओ, पर इस देश में देखना चाहिए, मोदी जी की सरकार है इसमें, उनको भी देखना चाहिए, जितनी इस देश में जितना अत्याचार एक ड्राइवर के ऊपर होता है, इतना किसी के ऊपर नहीं होता है। अपने एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाते हैं तो चोर लुटेरे डाकू पुलिस वाले करप्शन हर जगह ड्राइवर के साथ लूटपाट तो होती है, और गलती से कहीं गाड़ी लग जाए तो पब्लिक मार मार के ड्राइवर का ऐसा हाल कर देती है कि शायद ड्राइवर कई बार तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसमें ड्राइवर के ऊपर भी कुछ ऐसे नियम लागू करने चाहिए सरकार को, जैसे ट्रैफिक नियमों में भी सुधार होना चाहिए, एक निर्धारित लाइन होनी चाहिए हर गाड़ी के लिए। अभी देखते हैं आप भी कई बार गाड़ी अपना सफर करते होंगे तो देखते होंगे कि कार वाले जितने भी आते हैं रॉन्ग साइड में घुस जाते हैं, और अगर गलती से उनकी गलती से भी गाड़ी अगर ट्रक के साथ टच हो जाती है, किसी बड़ी गाड़ी से होती है, तो उसको मार मार के वहां पे उसको ऐसी हालत कर देते हैं कि ऐसी अवस्था में देखो अगर पब्लिक मारेगी वो पब्लिक की मार झेलेगा या उसे पीड़ित को हॉस्पिटल में पहुंचाएगा? जो कानून लागू किया है उसमें एक सोचने वाली बात है कि आदमी बेचारा ड्राइवर जो है जो पब्लिक की मार से भागेगा या उस पीड़ित को हॉस्पिटल में पहुंचाएगा। लेकिन उसमें सरकार का तो कहना है कि अगर ड्राइवर जो है वो मौके से भाग कर अगर पुलिस थाने में जाता है तो उस पर ये कानून लागू नहीं होता। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी के साथ ये दुर्घटना अभी देखा है, 2-3 लोगों के साथ ये हिट एंड रन का कानून लागू हो चुका है, और उन भाइयों को सीधा ये केस लागू किया गया है। रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठे होने की भी जो बात है वो ड्राइवर समाज की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तगड़ा आंदोलन होगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तो ड्राइवर समाज चुप बैठने वाला नहीं है। और मैं आम पब्लिक को भी, जो हर एक घर में आप ड्राइवर देखने को आपको मिल जाएगा क्योंकि अपनी पर्सनल गाड़ी चलाता है, उसके लिए भी यही कानून लागू है। तो मैं पब्लिक से एक निवेदन करना चाहूंगा, एक परामर्श देना चाहूंगा उनको कि भाई आपने अभी तक तो तेल डीजल की किल्लत देखी है, आने वाला टाइम जो ऐसा आएगा कि आप सब्जी दूध पनीर के लिए राशन के लिए तरस जाओगे, महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी सबको इस अगर ये ऐसे ही हालात रहे तो। कितने राज्यों में लगभग ये जो है अभी बटू जी ये बातें चल रहा है? जी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, अपना मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब काफी स्टेट जो है जहाँ पे ज्यादातर ड्राइवर जो है दूसरों की गाड़ियां चलाते हैं, उन स्टेटों में ज्यादातर ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद बंटू जी।
चलते चलते राकेश जी जी राकेश जी राकेश जी के पास लौटेंगे। जी सर जी राकेश जी, हिमाचल की क्या स्थितियां हैं इस समय? हिमाचल की स्थिति ऐसी है सर कि कुछ गाड़ियां चल रही हैं तो कुछ रुकी हुई हैं, कई ड्राइवर जो गाड़ियां छोड़ के घर जा चुके हैं। तो आगे का जो प्लान है वो क्या रहेगा आपकी तरफ से, जो हिमाचल में जिस तरह से कि अभी नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ तो हमारे जो सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है वो तो लगभग बंद पड़ी है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां जो वो सड़कों पर है। बंद तो पड़ी है सर, लेकिन गाड़ियां रोड पे भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद है यूनियन, गाड़ियां रोड पे चल रही हैं। और बाकी कुछ यूनियन हिमाचल की और भी है, जैसे ऊना में, गगरेट में, अंब में, टेरस में, तो गाड़ियां कुछ ड्राइवर घरों में बैठ चुके हैं सर, लेकिन कुछ गाड़ियां रोड पे चल रही है, दिख भी रही है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों को हार डाले जा रहे हैं, जूतों के डाले जा रहे हैं और दूसरी तरह के और भी कुछ हार देख रहे हैं हम मीडिया में। तो अभी आंदोलन जो वो सर बड़ा है, क्योंकि ये कानून जो वो लागू जिस प्रकार से सरकार ने किया है, जबरदस्ती थोपने वाला काम किया है, तो आंदोलन अभी और बड़ा बड़ा होगा सर। और सभी ड्राइवर, हम तो सभी देश के ड्राइवरों से एक ही आह्वान करेंगे कि सभी ड्राइवर गाड़ियां छोड़ के अपने घर चले जाएं और आगे भारी नुकसान जो झेलने को दिख सकता है जनता को। जी राकेश जी शुक्रिया। कीमती जी आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, आप क्योंकि आपके साथ जो प्रॉपरली नेटवर्क हमारा नहीं जुड़ पा रहा था। सर जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, रेंज नहीं आ रही मेरी आवाज, इसलिए पूरी नहीं पहुंच रही है, लेकिन आप सबकी आवाज मैं सुन रहा हूं। जी कीमती जी बाकी सर हम यही निवेदन करते हैं अपने ड्राइवर भाइयों से ही कि अगर आप लोग साथ दे सकते हो तो भाई ठीक है, नहीं तो ये कानून तो लागू हो चुका है और इसके ऊपर जो अदालतें हैं वो अमल भी कर रही हैं, पुलिस भी इसके ऊपर अमल कर रहा है, ठीक है सर। बाकी ये सभी दुनिया के लिए है, हम अकेले के लिए तो नहीं है, लेकिन हम लोग आवाज जो है वो सबकी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी, ग्राउंड लेवल पर भी जा जाके हम लोग रोड के ऊपर समझा रहे हैं ड्राइवर भाइयों को, लेकिन फिर भी ड्राइवर भाई जो है इनके ऊपर जो है कुछ भी असर नहीं हो रहा, फिर भी ये लोग जो है गाड़ियां चला रहे हैं। लेकिन आज उन परिवारों को पूछा जाए जिन परिवारों के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, घर वाले हैं, वो आज जेलों में जा रहे हैं। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जो ड्राइवर हिट एंड रन का जो केस है वो लागू कर दिया गया और ड्राइवरों को 10-10 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। जी तो यही सर बेनती है आपके चैनल के माध्यम से, आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आवाज को अपने चैनल पर जो है हमारा जो दर्द है वो दुनिया तक पहुंचाया, सरकारों तक पहुंचाया, इसके लिए हम आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। जी शुक्रिया कीमती जी। हाँ जी साथ जी थोड़ा सा समय देंगे आपको क्योंकि समय का अभाव है। आप सर कोई बात नहीं, इस कानून के जो नुकसान है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पुलिस है ना, पुलिस हमारा मिसगाइड करेगी इसमें जो है ना सबसे ज्यादा। इस कानून से हमें फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, अगर ये कानून लागू हो ही गया है तो इसमें पुलिस अपनी मनमानी करेगी, चाहे जिसके ऊपर थोप देगी ये कानून और फंसाने का काम करेगी। तो सरकार से यही अपील है मेरी कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस ले और हमें भी जीने दे। इस रोड पर हम चल रहे हैं 30 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं, अब हम और जो दूसरा काम कर लेंगे। जी आरके जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो हमारे गरीब तबके की आवाज को आपने उठाने का काम किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। सर पता क्या है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, पुलिस को तो एक नया जरिया मिल गया कमाई का, ये तो नया साधन हो गया पुलिस के लिए, जिसके पास मोटा पैसा है उससे पैसे खाएंगे और जो बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। जी धन्यवाद। ठीक है सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सरकार से भी जो है आपकी तरफ से भी अपील करूंगा कि ये जो ड्राइवर समाज है इनको एक चर्चा के माध्यम से जो है वो सरकार आपके जो अध्यक्ष हैं आपकी तमाम संस्थाओं के उनके साथ बैठकर एक बातचीत के द्वारा जो है वो एक नॉर्मल तरीके से इसका जो हल वो निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, जय हिंद।
जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।